हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पार्ट टू में डिस्कस करेंगे एसिड और बेसिस की रिएक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एसिड और बेसिस लेबोरेटरी में कैसे रिएक्ट करते हैं, या फिर ऐसा कह लो कि वो डिफरेंट इंडिकेटर्स की प्रेजेंस में क्या चेंजेस शो करते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि आप नोट कर पा रहे होंगे, हमने यहाँ पे 5 कॉलम्स ड्रॉ किए हैं। पहला कॉलम सैंपल सॉल्यूशन का, जो भी हम एसिड या बेस टेस्ट करेंगे उसको हम यहाँ पे नोट करेंगे, और बाकी जो 4 कॉलम्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स के बनाए हमने। पहला वाला रेड लिटमस सॉल्यूशन का, दूसरा ब्लू लिटमस सॉल्यूशन का, तीसरा मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन का, और चौथा फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन का। ठीक है, तो अगर हम HCl को टेस्ट करेंगे लैब में डिफरेंट इंडिकेटर्स की प्रेजेंस में, तो वो क्या शो करेगा वो हम यहाँ पे नोट करेंगे। तो HCl को अगर हम रेड लिटमस सॉल्यूशन में रिएक्ट करवाएंगे तो वो कोई चेंज नहीं दिखाएगा, यानी रेड लिटमस सॉल्यूशन रेड ही रहेगा। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन की प्रेजेंस में वो रेड हो जाएगा। ठीक, और ये हमने एसिड की डेफिनेशन भी पढ़ी है कि वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये एसिड है। ठीक, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन की प्रेजेंस में ये कलरलेस हो जाता है, और फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन की प्रेजेंस में ये रेड कलर का हो जाएगा। सिमिलरली हम NaOH की बात करें तो वो रेड लिटमस सॉल्यूशन की प्रेजेंस में ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू कलर में चेंज कर रहा है तो इसलिए ये बेस है, वो चीज हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये ब्लू कलर का ही रहेगा। मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन को ये लाइट पिंक में चेंज कर देगा, और फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन में रिएक्ट करवाने पे ये येलो कलर का हो जाएगा। तो अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल्स की। तो यहां पे हम देखेंगे कि जब एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है और जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। ठीक, तो जब भी हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, जो इसमें हाइड्रोजन गैस बन रही होती है वो निकल जाती है और बाकी जो सॉल्ट होता है वो उसमें रह जाता है। तो एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे H2SO4 लिया, उसको रिएक्ट करवाया हमने जिंक के साथ, तो इसके साथ रिएक्ट होने पे बना ZnSO4 जो कि जिंक सल्फेट है, जो कि क्या है सॉल्ट है हमारा, और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। ठीक, तो हमेशा ये ध्यान रखना है जब भी एसिड और मेटल की रिएक्शन होगी तो एक सॉल्ट बनना है और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ठीक, तो हम जब भी ऐसी रिएक्शन देख रहे हो तो सबसे पहले हम H2 गैस को लिबरेट करके दिखा दें। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने एसिड और मेटल की रिएक्शन करवाई तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन गैस लिख लें, और उसके बाद जो इसमें बचा उसको कंबाइन कर दें, तो कंबाइन करके सॉल्ट बन जाएगा। जैसे यहाँ पे H2 अगर इसमें से अलग हो गया तो यहाँ पे SO4 बचा प्लस यहाँ पे जिंक, तो ये जिंक और SO4 कंबाइन होके बन गया ZnSO4 जो कि बन गया जिंक सल्फेट जो है हमारा सॉल्ट। ठीक, इसी टाइप से जब हम बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सिमिलर रिएक्शन होती है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक, तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए ले लिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको रिएक्ट करवाया जिंक मेटल के साथ, तो इसके साथ रिएक्ट होने पे ये बन गया Na2ZnO2 जो कि हमारा सोडियम जिंकेट है, और साथ में इसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। ठीक, तो यहां पर भी वही चीज देखनी है और यही चीज ध्यान रखनी है कि जब भी बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनना है और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होनी। तो जब भी आपको बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता हुआ दिखे तो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस को उसके प्रोडक्ट में लिख लो, और बाकी जो भी चीजें बची उनको कंबाइन करके सॉल्ट लिख लो। तो जैसे यहाँ पे H2 इसमें से अलग हुआ तो यहाँ बचा 2NaO प्लस ZN, तो इसको कंबाइन करके लिख लिया हमने Na2ZnO2 जो कि हमारा सॉल्ट है सोडियम जिंकेट। तो अब बात करते हैं मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन विद एसिड। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट्स बनता है। ठीक, तो जो इसकी जनरल इक्वेशन होती है हम उसको ध्यान रखेंगे, और उसके हिसाब से जब भी हमें ऐसी चीजें रिएक्ट करते हुए दिखेंगी तो उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट लिख लेंगे। ठीक, तो इसकी जनरल रिएक्शन के हिसाब से जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमेशा सॉल्ट बनेगा, साथ में वाटर, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो ये हमेशा यही चीजें मिलेंगी जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक,
तो अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट जो कि मेटल कार्बोनेट है उसको हमने रिएक्ट करवाया एसिड के साथ HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो इसके साथ रिएक्ट करने पे ये बना NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जो कि सॉल्ट है, प्लस H2O वाटर प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो सबसे आसान तरीका है इस रिएक्शन को याद रखने का कि जब भी आपको दिख रहा है कि मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सबसे पहले प्रोडक्ट में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लिख लो, उसके बाद जितनी चीजें बची उनको कंबाइन करके सॉल्ट बना लो। ठीक, तो जैसे यहाँ पे हमने H2O निकाल लिया इससे अलग, तो H2O निकल गया यहाँ से CO2 भी निकल गया, बचा यहाँ से 2Na और यहाँ से 2Cl। ठीक, और वो दोनों कंबाइन होकर 2NaCl बन गया। ठीक, तो इसी टाइप से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन को देखते हैं। तो उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया हमने, उसको रिएक्ट करवाया हमने HCl के साथ। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और HCl हो गया एसिड हमारे पास, इन दोनों को रिएक्ट करने पे बना सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड पहले लिख लिया और जो बचा उसको फिर हमने सॉल्ट के जैसा लिख लिया। तो यहाँ पे Na और Cl बचा तो हमने NaCl लिख लिया जो कि सॉल्ट। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एसिड एंड बेस रिएक्शन विद ईच अदर। तो अब हम ये देखेंगे जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। ठीक, तो जब भी हम एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो हमेशा सॉल्ट और वाटर बनेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हमने एसिड ले लिया HCl और बेस ले लिया NaOH। तो जब भी ये दोनों रिएक्ट होंगे तो क्या बनेगा, एक बनेगा सॉल्ट और एक बनेगा वाटर। तो सबसे पहले हम वाटर लिख लेते हैं। ठीक, तो H2O हमने लिख लिया, तो H, H और O ये मिलके बन गया H2O, यहां से बचा Cl, यहां से बचा Na, दोनों कंबाइन होके बन गया NaCl जो कि हमारा सॉल्ट हो गया। ठीक, तो जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमेशा सॉल्ट और वाटर बनता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एसिड और बेस आपस में मिलके न्यूट्रल हो गए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड्स विद एसिड। ठीक है, तो जब भी मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे किसी एसिड के साथ तो हमेशा सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक, ये इसलिए क्योंकि जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक, और हम इससे पहले देख चुके हैं कि जब भी बेस और एसिड की रिएक्शन होती है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो इसलिए जब भी मेटलिक ऑक्साइड भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो भी सॉल्ट और वाटर ही बनता है। ठीक, तो मेटलिक ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक होता है नेचर में। तो एग्जाम्पल के लिए हमने जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन करवाई सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और इसके साथ रिएक्ट होने पे ये बन गया जिंक सल्फेट जो कि हमारा सॉल्ट है और साथ में हमें वाटर भी मिला। तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जो है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेस। ठीक है, तो जब भी नॉन मेटलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनता है क्योंकि जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में और एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जिसमें हमें सॉल्ट और वाटर मिलते हैं एज प्रोडक्ट। ठीक, तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया हमारा नॉन मेटलिक ऑक्साइड और ये CO2 हमारा बेस का काम कर रहा है, इन दोनों को रिएक्ट करवाने पे बना CaCO3 जो कि एक सॉल्ट है और साथ में मिलेगा वाटर। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद वाटर। ठीक, तो जब भी हम एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन बनता है और साथ में जो इसके साथ जो दूसरा आयन होगा वो अलग हो जाएगा। ठीक, जो कि हमने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी थी। ठीक है, कि जब भी एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो या तो हाइड्रोजन आयन बनेगा या फिर हाइड्रोनियम आयन बनता है। ठीक, तो यहाँ पे हमने HCl लिया है प्लस वाटर, तो HCl प्लस वाटर को रिएक्ट करवाने पे ये इसका H आयन यहाँ से अलग होके इसके साथ कंबाइन हो गया जिसकी वजह से ये H3O प्लस आयन बन गया और इसका जो Cl जो दूसरा आयन था वो अलग हो गया, तो ये Cl माइनस अलग हो गया। इसी टाइप से अगर हम बेस को रिएक्ट करवाते हैं वाटर की प्रेजेंस में तो क्या हुआ, Na प्लस आयन अलग हो गया और OH माइनस आयन अलग हो गया। यानी जब भी बेस वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्साइड आयन बनता है। ठीक, और बाकी जो उसके साथ दूसरा चार्ज स्पीसीज होगा वो अलग हो जाएगा। तो आई होप आज हमने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे और आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।